नाज़रीन, फारूक मिर्ज़ा आपसे मुखातब हूँ। आज हम पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से टाउन, उसमें एक अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में एक बहुत ही बुज़ुर्ग हस्ती बाबा महीउद्दीन, जो 1971 में अमेरिका आए थे और उन्होंने अपनी तालीमात और अपनी मजहबी खिदमात और यहाँ लोकल जो कम्युनिटीज थी उनके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने इंसानियत और तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी रखा था। और फिर वो इतने मशहूर हुए कि यूनाइटेड नेशन में और इंटरनेशनल लेवल पे जो मुसलमानों के मसाइल हैं उनमें भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा। ईरान के मामले पे भी उन्होंने सरबराहान ममलकत को उन्होंने खतूत लिखे और फिर सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन ने उनकी तालीमात का जिक्र यूनाइटेड नेशन में भी किया। तो 86 की दिहाई में वो उनका इंतकाल हुआ तो लोकल काउंटी ने उनकी खिदमात के एवज ये तकरीबन 100 एकड़ ज़मीन जो है उनके मज़ार के लिए वक्फ की है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बाबा महीउद्दीन जिनके नाम पे एक स्कॉलरशिप और फेलोशिप प्रोग्राम रखा गया था। और ये मज़ार ही नहीं है बल्कि इसके साथ एक लाइब्रेरी है। यहाँ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट के मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी और दीगर तहजीबें वो यहाँ जौक दर जौक आते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी मस्जिद भी है और ये जिस तरीके से इस पूरी लैंड को खूबसूरती से सजाया है तो इस तरह लगता है ये कोई एक जन्नत का टुकड़ा है। तो मज़ीद मालूमात के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाज़त दें, फारूक मिर्ज़ा।